ये शिलाजीत है। शिलाजीत के हमने एक तो कैप्सूल उपलब्ध कराए, ये कैप्सूल पहले थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में हम बनाते थे। ये शिलाजीत, शिलाजीत तो टनों में बनती है। अब दुनिया का तो मुझे पता नहीं है कि शिलाजीत कितनी कहां कहां खाई जाती है, लेकिन हिंदुस्तान में टनों की मात्रा में प्रतिदिन यदि कहीं शिलाजीत को शुद्ध किया जाता है, इसका पत्थर आता है रो मेटेरियल के रूप में, और उससे शिलाजीत सब तैयार किया जाता है, माने देश में सबसे अधिक मात्रा में यदि कहीं से शिलाजीत उपलब्ध कराया जा रहा है तो वो दिव्य फार्मेसी। दिव्य फार्मेसी अपनी औषधियों का ब्रांड है, और पतंजलि ये अपने फिर औषधियों के अतिरिक्त तो कुछ औषधियां भी हैं, बाकी जो भी हमारे नित्य जीवन में उपयोगी उत्पाद हैं। आज देश में कोई भी एक ऐसा संस्थान नहीं जो 500 से ज्यादा उत्पाद 100% प्रामाणिकता और शुद्धता के साथ तैयार करता। 500 से ज्यादा उत्पाद औषधियों से लेकर के कॉस्मेटिक्स से लेकर के फूड सप्लीमेंट से लेकर के नित्य जीवन के उपयोग के सभी उत्पाद, घी से लेकर के तेल से लेकर के च्यवनप्राश तक सब कुछ, ये शिलाजीत सत है। एक बूंद खाओ और ना सर्दी लगेगी ना कोई बीमारी लगेगी। कुछ लोग सोचते हैं कि बाबा जी आप भी ये शिलाजीत ही खाते हो, आपको सर्दी नहीं लगती। हम तो कभी कभी टेस्टिंग करके ही गर्मी इतनी मिल जाती है। ये शिलाजीत, लोग असली शिलाजीत ढूंढने के लिए कहां कहां पुरुषार्थ करते थे, खोजते रहते थे। अब ऋषिकेश में आए, हरिद्वार में आए, या कहीं तीर्थों पर गए तो असली शिलाजीत खोज रहे हैं, और वहां गुड़ की चाशनी को जला करके कड़वा कड़वा करके और बोले असली शिलाजीत लेके आए, चमकती है, गुड़ को फूंक दो ना चाशनी को, गुड़ की चाशनी बनाओ फूंक दो, काली काली हो जाती है शिलाजीत जैसा ही, उसमें स्मेल भी आने लगता है, चमक भी आ जाती है। और लोग कहते थे असली शिलाजीत लाए, ये आपने बहुत देखा, ये असली शिलाजीत।